नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल तालुका में किंगान गांव के निकट रविवार देर रात एक वाहन के पलट जाने से 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग अबोदा, करहला और रावेर के मजदूर थे। पुलिस के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब पपीते से लदा ट्रक पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को बाहर निकाला। 5 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि इन सभी को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो इस हादसे में 16 मजदूरों की मौत बताई जा रही है। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीण अस्पताल में इनको भर्ती करा है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जलगांव दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों के इलाज का भुगतान करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतक मजदूरों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। जैसे ही उन्हें दुर्घटना की जानकारी मिली, उन्होंने जलगांव जिला प्रशासन से घटना के बारे में जानकारी ली और दुर्घटना पीड़ितों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। तो सीएम ठाकरे ने अनुग्रह राशि देने का ऐलान कर दिया है। नागपुर जिले के भीवापुर तहसील के मांगरूल परिसर में आदिवासी आश्रम स्कूल के फूड पॉइजनिंग से करीब 16 छात्रों की तबियत बिगड़ गई। बता दें, सभी छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 छात्रों की हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं स्थानीय विधायक राजू पा जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंचे और छात्रों का हाल जाना। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि राज्यपाल के खिलाफ हमारा युद्ध जारी है और जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को बीच में लाकर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राजभवन की ओर से कहा गया है कि कुछ सरकार विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और राजभवन के बीच कोल्ड वॉर नहीं, सीधी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि युद्ध में कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उनमें से एक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू और प्रियंका सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रियंका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, जबकि दूसरी बहन मीतू सिंह की याचिका खारिज कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के 15 दिन बाद सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें बिहार सरकार की याचिका पर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। अब इस केस में मीतू सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो याचिका थी वो खारिज कर दी है। जिस तरीके से रिया ने गंभीर आरोप लगाए थे, अब सीबीआई मीतू सिंह के खिलाफ जो जांच है वो की जाएगी। सुशांत की बहन मीतू सिंह की याचिका खारिज हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। सुशांत की मौत के 15 दिन बाद ही ये मामला सामने आया था। बता दें, अब इस केस में मीतू सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी। तो बिहार सरकार की याचिका पर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी थी और मीतू सिंह के खिलाफ ये जांच की जाएगी। बता दें, सुशांत की मौत के 15 दिन बाद ही सुशांत के पिता
कृष्ण कुमार सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो जिस तरीके से मामला आया था, बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 15 दिन बाद ही उनके पिता ने ये गंभीर आरोप लगाए थे। और वहीं गढ़चिरौली के बटालियन मुख्यालय में पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें रक्तदान शिविर के दौरान 192 बटालियन केरी पुबल के अधिकारी और जवानों ने शिविर में रक्तदान किया। इस दौरान 192 बटालियन केरी पुबल के कुल 48 अधिकारी और जवान मौजूद रहे। तो पुलवामा अटैक को कल 2 साल पूरे हो गए थे, दूसरी बरसी थी और इसको लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 192 बटालियन केरी पुबल के जवान यहां पर इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बता दें किस तरीके से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर। इस दौरान 192 बटालियन केरी पुबल के कुल 48 अधिकारी और जवान मौजूद रहे थे। तो जवानों ने बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और रक्तदान किया है। पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे उस अटैक को 2 साल बीते कल हो गए, दूसरी बरसी थी कल और इसी को लेकर हर जगह शोक का माहौल भी था और साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को। चंद्रपुर में शुभम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं शुभम को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर घुग्गुस वासियों ने प्रशासन के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि हत्याकांड के आरोपी गणेश पिंपले शेंडे को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में और लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शुभम को न्याय दिलाने की मांग लगातार जारी है। हत्याकांड में आरोपी गणेश पिंपले शेंडे को रविवार को अदालत में पेश किया गया था, तो कोर्ट ने वहां से उसे जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको शुभम की, घुग्गुस वासियों ने कैंडल मार्च निकाला, न्याय की मांग की है, दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। तो लगातार शुभम को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और कैंडल मार्च निकालकर दोषी को फांसी की मांग कर रहे हैं। और वहीं औरंगाबाद जिले के पिशोर ग्रामीण अस्पताल में 2 साल से पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है। पिशोर ग्रामीण अस्पताल के ऊपर 30 से ज्यादा गांव निर्भर है। ऐसे में यहां पीएम रूम ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैद्यकीय अधिकारी धीरज पाटिल ने बताया कि बार बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी पोस्टमार्टम की सुविधा यहां उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ग्रामीणों को यहां साथ ही साथ अधिकारियों की शिकायत के बाद भी कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। औरंगाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिले के पिशोर ग्रामीण अस्पताल में 2 साल से पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है। तो पिशोर ग्रामीण अस्पताल के ऊपर 30 से ज्यादा गांव निर्भर हैं। ऐसे में अगर पोस्टमार्टम रूम नहीं होता है तो कितनी परेशानी होगी सभी समझ सकते हैं, लेकिन यहां पोस्टमार्टम रूम ना होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ वैद्यकीय अधिकारी धीरज पाटिल ने भी बताया कि बार बार प्रस्ताव भेजा गया लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बारिश ज्यादा होने के कारण पीएम रूम पूरी तरह से गिर चुकी है। लेटर देके बताया है कि यहाँ पे शव विच्छेदन नहीं हो सकता है और बीएमसी ने आने के बाद में उसका पर पूरा तरह से मुआवजा करके ऐसा बताया है कि वहाँ पे पोस्टमार्टम शव विच्छेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से पार्ट प्रोवा करने के बाद भी आज तक नौ शव विच्छेदन कक्ष का बांधा। और जालना जिले के परतूर बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी को बिजली बिल वसूलना महंगा पड़ गया। बता दें बिजली बिल वसूलने गए अधिकारी के साथ भगवान पाटोले और नारायण पाटोले ने मारपीट कर दी और अधिकारी के मुंह पर कालिख पोत दी। मामले में दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक कर रहे हैं। तो जालना से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बता दें किस तरीके से ये घटना सामने आई। जालना जिले के परतूर बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी को बिजली बिल वसूलना महंगा पड़ गया।
बिजली बिल वसूलने गए अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई। बता दें भगवान पाटोले और नारायण पाटोले ने उनके साथ मारपीट की और उनके मुंह पर कालिख तक पोत डाली। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। मामले में फिलहाल दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उप निरीक्षक खुद इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के व्याया से गांव दरियापुर तहसील जाने वाला मुख्य रास्ता गड्ढे में तब्दील हो गया है। बता दें इस मार्ग से गुजर रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते का निर्माण 9 साल पहले किया गया था। रास्ते की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सड़क खराब हो चुकी है और लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो व्याया आसे गांव दरियापुर तहसील जाने वाला मुख्य रास्ता है ये, जो गड्ढे में तब्दील हो गया है। कोई भी सड़क हादसा हो सकता है। इन सड़क को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टूटी फूटी सड़क हादसों को न्योता दे रही है। यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता और आ भी नहीं सकता। चलने वाला कैसा चलना और कैसा नहीं चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। रास्ते से जो लोग चलते हैं आधे खड्डे में गिरते हैं और आधे बाहर गिरते हैं। चलते वक्त ऐसा समझना पड़ता है कि अपन मरते हैं कि जिंदे रहते हैं। कभी भी इतने यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं कि कोई मर जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो चंद्रपुर जिले में 7 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहे डेरा आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के दौरान 3 लोगों की हालत बिगड़ गई जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि चंद्रपुर के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। इसके बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही पिछले 7 महीनों से कोविड महामारी पर काम कर रहे 500 से अधिक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। वहीं जन विकास संघटना संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने मांग की है कि मुंबई के डीन डॉक्टर तात्या लहाने को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए। तो 3 आंदोलनकारियों की तबियत बिगड़ गई, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। 8वें दिन भी डेरा आंदोलन जारी है। तो सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आंदोलनकारी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं उनका इलाज चल रहा है। लगातार 8वें दिन डेरा आंदोलन जारी है। चंद्रपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आंदोलनकारियों की तस्वीर, 8वां दिन और डेरा आंदोलन 8 दिन पूरे कर चुका है। और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी भी फास्ट ट्रैक का उपयोग नहीं किया जा रहा है। बता दें एक्सप्रेसवे के ओर से टोल पर फास्ट ट्रैक के लिए सिर्फ 2 लाइन बनाई गई हैं, जबकि वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक अनिवार्य कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक के नहीं लगे होने की वजह से वाहनों को अब जुर्माना देना पड़ेगा। तो फास्ट ट्रैक को लेकर यहां सख्ती नजर आएगी। तो फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया और फास्टैग नहीं लगे वाहनों को जुर्माना देना पड़ेगा, ये सख्ती साफ नजर आएगी अब टोल प्लाजा पर। एक्सप्रेसवे के उर्से टोल पर फास्टैग के लिए सिर्फ 2 लाइन बनाई गई हैं, जबकि वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। तो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी भी फास्टैग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। एक्सप्रेसवे के ओर से टोल पर फास्टैग के लिए सिर्फ 2 लाइन बनाई गई हैं, जबकि वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य रूप से तय किया गया है। तो फास्टैग नहीं लगे होने पर वाहनों को जुर्माना देना पड़ेगा। जिस तरीके से नए साल में जो नियम बनाए गए कि फास्टैग अनिवार्य होगा हर गाड़ी के लिए और अगर फास्टैग नहीं होता तो 2 गुना टोल भी देना पड़ सकता है, तो जुर्माना लगाया जाएगा उन गाड़ियों पर जो फास्टैग का प्रयोग नहीं करती हुई नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें। वहीं नासिक जिले में शिव भक्तों ने शिव जयंती मनाते हुए राज्य सरकार के सुझाव पर नाराजगी व्यक्त की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए
राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण समारोह आयोजित कर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए 100 व्यक्तियों की उपस्थिति में शिव जयंती मनाने का निर्देश दिया है। तो खबर नासिक से आपको बता रहे हैं, जहां शिव भक्तों ने गुस्सा जाहिर किया है। नासिक जिले में शिव भक्तों ने शिव जयंती मनाते हुए राज्य सरकार के सुझाव पर नाराजगी व्यक्त की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह आयोजित करके शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ 100 व्यक्तियों की उपस्थिति में शिव जयंती मनाने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार ने, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दी है। कृपया मेरी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से विनती है कि कृपया ये सारी जो आप लोगों ने रूल्स रेगुलेशन लगाए है उसको थोड़ा सा ढिलाई दे, ताकि हर शिव प्रेमी के जो 19 फरवरी है वो अच्छी तरीके से आनंद से और सबके साथ मिले। मुंबई से सटे पालघर जिले में कर्बदास बांध परियोजना से प्रभावित लोगों ने धर्मपुर से मनोर तक जुलूस निकाला। डैम की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में कष्टकारी संगठना के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने ये मार्च निकाला। सूर्या परियोजना के 3 मीटर तक कर्बदास बांध की ऊंचाई बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे कर्बदास, भोवाड़ी, कोसेसारी, तलवाड़ा, धर्मपुर सहित सभी गाँव में पानी भरने वाला है। तो ये मार्च निकाला गया परियोजना से प्रभावित लोगों ने ये मार्च निकाला। कर्बदास बांध परियोजना है जिससे प्रभावित लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। सब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जालना के नलगली एरिया में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर घर से नकदी और गहने चोरी कर लिए। बता दें, वारदात के समय घर के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे गांव गए थे। वहीं चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो लाखों की नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया है चोरों ने। जब घर के सभी लोग दूसरे गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे, अज्ञात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है, लेकिन ये खबर इस वक्त जालना से आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। चोरों ने इस घर को निशाना बनाया, जिस घर में जो लोग थे वो दूसरे गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे, और इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों की नकदी और गहने चोरी कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है और जांच में जुटी है। किसी भी तरीके से कोई सुराग हाथ लगे तो आगे कार्रवाई बढ़े। चौदह तारीख की रात 3 से 5:30 बजे के दरमियान कुछ चोरों ने उनके घर में चोरी करके घर का ताला तोड़ के चोरी की है। इसमें लगभग 29,50,000 रुपए के गहने और कैश चोरी गई है। उसमें से 892 ग्राम सोना और 4,500 रुपए कैश। 14 तारीख की रात 3 से 5:30 बजे के दरमियान कुछ चोरों ने उनके घर में चोरी करके घर का ताला तोड़ के चोरी की है। इसमें लगभग 29,50,000 रुपए के गहने और कैश चोरी गई है। उसमें से 892 ग्राम सोना और 4,500 रुपए। और वही हिंगोली जिला पत्रकार संघ की ओर से महाराष्ट्र के सभी पत्रकारों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने की मांग की गई है। बता दें, प्रशासन की ओर से सिर्फ शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हर आपदा में पत्रकार की अहम भूमिका रही है और होती भी है। कोरोना काल में भी पत्रकार सबसे आगे थे, इसीलिए सभी पत्रकारों को कोविड वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, यही उनकी मांग है। जो पत्रकार है, अभी जो कोरोना प्रतिबंधक लस जो दी जा रही है वैक्सीन, उसमें पत्रकारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अतः हम आज जिलाधिकारी महोदय से विनती किया है, निवेदन देके
हमारे जो पत्रकार है, वृत्तपत्र विक्रेता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस फोटोग्राफर, इन्हें कोवैक्सीन तुरंत लगाई जाए, ऐसे हमने। और वहीं पालघर जिले में मनोर दुर्वे साय रास्ते पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेंदुआ हाईवे क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान वो गाड़ी की चपेट में आ गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो हाईवे क्रॉस करते वक्त तेंदुए की मौत हो गई, अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया था ये तेंदुआ, जिसकी मौत हो गई है।